हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका NS एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम सब्जी और फलों में जो उनके टेस्ट हैं और जो कलर पाए जाते हैं वो किस कारण से पाए जाते हैं, ये डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इसमें से आपके एग्ज़ाम के लिए एक या दो नंबर बिल्कुल फिक्स हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लाइकोपिन प्रमुख कारण है दोस्तों, तो ऑप्शन दिया हुआ है टमाटर में लाल रंग, तरबूज में लाल रंग, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो लाइकोपिन किस में पाया जाता है, टमाटर में या तरबूज में, जिसकी वजह से उनका रंग लाल होता है? तो दोस्तों, यह दोनों में पाया जाता है, मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उपरोक्त दोनों, मतलब टमाटर में जो लाल रंग है और तरबूज में जो लाल रंग पाया जाता है वो लाइकोपिन के कारण ही पाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूध में सफ़ेद रंग किस कारण से होता है? तो दोस्तों, दूध में सफ़ेद रंग किस कारण से होता है, कैसीन के कारण से। ठीक है, याद रखिएगा, कैसीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। लेकिन दूध में थोड़ा सा हल्का सा आप देखते हैं पीलापन भी पाया जाता है, तो यह पीलापन किस कारण से होता है? तो दोस्तों, कैरोटीन के कारण दूध में पीलापन पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, सफ़ेद रंग कैसीन के कारण होता है और पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंथोसाइनिन के कारण किन फलों व सब्जियों का रंग लाल होता है? तो दोस्तों, ऑप्शन है गाजर, प्याज, सेब या उपरोक्त सभी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। एंथोसाइनिन के कारण गाजर, प्याज और सेब, इन तीनों का ही रंग लाल होता है। याद रखिएगा, गाजर, प्याज, सेब में जो लाल रंग पाया जाता है वो एंथोसाइनिन के कारण ही पाया जाता है। और अभी हमने पढ़ा टमाटर और तरबूज, तो टमाटर और तरबूज में जो लाल रंग पाया जाता है वो किसके कारण पाया जाता है, लाइकोपिन के कारण पाया जाता है। ठीक है, और अभी आप सोच रहे होंगे कि गाजर जो है इसमें तो कैरोटीन भी पाया जाता है। तो दोस्तों, गाजर दो तरह के पाए जाते हैं, एक नारंगी रंग का होता है, मतलब ऑरेंज कलर का होता है, जो साल भर पाया जाता है, आप सभी देखते ही होंगे, है ना। और दूसरा जो रहता है लाल रंग का, जो एक सीज़न में पाया जाता है, मतलब अभी ठंड के सीज़न में लाल रंग का गाजर ही बिकता है। तो ये जो लाल रंग है, लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण पाया जाता है, लेकिन जो नारंगी रंग है, नारंगी कलर कैरोटीन के कारण पाया जाता है। तो गाजर में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण और जो नारंगी कलर है, ऑरेंज कलर है, वो किसके कारण पाया जाता है, कैरोटीन के कारण। ठीक है, याद रखिएगा, गाजर, प्याज और सेब, इन तीनों का ही रंग लाल होता है, किसके कारण से, एंथोसाइनिन के कारण से। चलिए आगे देखते हैं। मूली में तीखापन किस कारण से होता है? तो दोस्तों, मूली में आप देखते होंगे जब हम खाते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा सा तीखा लगता है ना, तो ये किस कारण से होता है? तो ये जो तीखापन है ये आइसोसाइनेट के कारण से होता है। याद रखिएगा, मूली में तीखापन आइसोसाइनेट के कारण होता है। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है सोलेन। तो दोस्तों, आलू में हरा रंग पाया जाता है, तो आलू का हरा रंग सोलेन होता है, मतलब सभी आलू में नहीं, आप देखते होंगे कभी कभी उसमें लाल रंग भी होता है, हरा रंग भी होता है, तो हरा रंग का कारण क्या है, सोलेन है। कैसीन अभी हमने पढ़ा, दूध में सफ़ेद रंग किस कारण से होता है, कैसीन के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केले में हरा रंग किस कारण से होता है? तो दोस्तों, केला आप देखते होंगे पकने के बावजूद भी कभी कभी क्या होता है, उसका बाहर का कवर हरे रंग का रहता है, तो वो किस कारण से होता है, क्लोरोफिल के कारण से ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा, केले में हरा रंग क्लोरोफिल के कारण से होता है। और अभी हमने डिस्कस किया आलू में हरा रंग, तो आलू में हरा रंग किसके कारण से होता है, सोलेन के कारण होता है। दोस्तों, इसका कभी कभी ऑप्शन में सोलेनिन भी आ जाता है, तो सोलेनिन और सोलेन ये दोनों ही एक हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन दिया हुआ है लाइकोपिन। तो अभी हमने डिस्कस किया टमाटर का लाल रंग और तरबूज का लाल रंग, वो किसके कारण से होता है, लाइकोपिन के कारण होता है। फिर हमने देखा एंथोसाइनिन, तो एंथोसाइनिन किस में पाया जाता है, गाजर, प्याज और सेब, जो इन तीनों का लाल रंग है वो किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण। और फोर्थ ऑप्शन दिया है कैरोटीन, तो दूध का पीला रंग और गाजर का ऑरेंज कलर, गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, मिर्च में तीखापन किस कारण से होता है? दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है,
है ना। तो याद रखिएगा, मिर्च में तीखापन किस कारण से होता है? तो हमारे पास ऑप्शन है कैप्सेथिन और कैप्सेसिन, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मिर्च में जो तीखापन है वो कैप्सेसिन के कारण होता है, याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। हम एग्ज़ाम में कैप्सेथिन लगा कर आते हैं, क्यों? क्योंकि जो इसमें थिन वर्ड है ये हमें थोड़ा सा तीखापन के लिए ट्रिकी लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये थोड़ा अपोजिट है, क्योंकि कैप्सेथिन के कारण मिर्च में लाल रंग पाया जाता है। याद रखिएगा, कैप्सेथिन के कारण मिर्च में लाल रंग पाया जाता है, लेकिन जो मिर्च का तीखापन है वो कैप्सेसिन के कारण पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुरकुमिन इनमें से किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों कुरकुमिन किसमें पाया जाता है? हल्दी में पाया जाता है। और किस लिए पाया जाता है? तो हल्दी का रंग आप देखते हैं पीला होता है ना, तो पीला रंग जो है हल्दी का वो कुरकुमिन के कारण ही होता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और पूछा जा चुका है ना। तो हल्दी का जो पीला रंग है वो कुरकुमिन के कारण होता है। यहाँ पर आप फर्स्ट ऑप्शन देख रहे होंगे, पपीता दिया हुआ है। तो पपीता, तो पपीते में जो पीला रंग है दोस्तों वो किस कारण से पाया जाता है? तो पपीते में पीला रंग कैरिकान जेथिन के कारण पाया जाता है। याद रखिएगा, कैरिकान जेथिन, ठीक है, ये नाम थोड़ा पढ़ने में बहुत अलग है, लेकिन याद रखना दोस्तों, पपीते में पीला रंग कैरिकान जेथिन के कारण पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुकंदर में लाल रंग किस कारण से होता है? तो दोस्तों चुकंदर बहुत ही हेल्दी है ना, बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद होता है। तो जो इसमें लाल रंग है आप देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा रंग इसमें पाया जाता है, तो उसमें बीटानिन पाया जाता है, तो बीटानिन के कारण ही इसका रंग गाढ़ा होता है, लाल होता है ना। अब यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन देख रहे हैं, टैनिन दिया हुआ है। तो टैनिन किस में पाया जाता है दोस्तों? टैनिन पाया जाता है आंवला में। आंवले का टेस्ट आप देखते हैं थोड़ा सा कसैला होता है, थोड़ा नहीं काफ़ी कसैला होता है ना। तो ये जो इसका टेस्ट है, कसैलापन जो है, वो टैनिन के कारण ही होता है। और बीटानिन चुकंदर में पाया जाता है, जिसकी वजह से चुकंदर का रंग लाल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेमोर्डिकोसाइट किस में पाया जाता है? तो मेमोर्डिकोसाइट दोस्तों यह पाया जाता है करेला में। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि करेला अपनी कड़वाहट के लिए जाना जाता है। कुछ लोग खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग खाना पसंद नहीं करते, और यहाँ तक कि करेले का जूस कहते हैं पीने के लिए, कच्चे करेले का जूस, जिससे सारी बीमारी ख़त्म हो जाती है। तो ये जो इसका कड़वाहट है, तो ये कड़वाहट किस के कारण होता है दोस्तों? मेमोर्डिकोसाइट के कारण ही होता है। याद रखिएगा, मेमोर्डिकोसाइट के कारण करेले में कड़वाहट पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंवले में कसैलापन किस कारण से होता है? तो अभी हमने डिस्कस किया, टेनिन के कारण आंवले में कसैलापन होता है। फिर हमने अब ये भी पढ़ा था कि बीटानिन किस में पाया जाता है? चुकंदर में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि चुकंदर का जो रंग है वो लाल होता है, गाढ़ा होता है, किसके कारण से होता है? बीटानिन के कारण ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लहसुन में पाया जाने वाला गंध किस कारण से होता है? तो आप सभी जानते हैं लहसुन एकदम तीक्ष्ण गंध होती है उसकी, है ना। तो लहसुन में ये जो गंध है वो किस कारण से पाया जाता है? तो दोस्तों एलाइसिन, याद रखिएगा, एलाइसिन लहसुन में पाया जाता है, जिसके कारण से इसका गंध तीक्ष्ण होता है, तीखा होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बादाम में कड़वेपन का मुख्य कारण है? तो दोस्तों बादाम में कड़वेपन, बादाम थोड़ा सा कड़वाहट होती है उसमें, तो वो किस कारण से होता है? तो याद रखिएगा, एमाइलेडिन के कारण बादाम में कड़वापन पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिलहन के तेल का पीला रंग किस कारण से होता है? तो तेल पीले ही होते हैं, आप सभी देखते हैं कि तिल सरसों का तेल भी होता है जो पीला होता है, और तिलहन के तेल भी पीले ही होते हैं, तो ये किस कारण से होता है? तो दोस्तों तिलहन के तेल में जो पीला रंग पाया जाता है उसका कारण होता है केराटिनाइज्ड। याद रखिएगा, केराटिनाइज्ड यह तिलहन के तेल में पाया जाता है, जिसकी वजह से इनका रंग पीला होता है। अभी और हमने डिस्कस किया था, कैरिकान जेथिन किस में पाया जाता है? पपीते में पाया जाता है, जिससे उसका रंग पीला होता है। कैरोटीन गाजर और दूध में पाया जाता है। ठीक है, तो गाजर के नारंगी रंग के लिए कैरोटीन पाया जाता है, और दूध के पीलेपन के लिए भी कैरोटीन जाना जाता है। और कुरकुमिन हल्दी में पाया जाता है, हल्दी के पीले रंग के लिए।
चलिए आगे देखते हैं, कैप्सेथिन किस में पाया जाता है। तो दोस्तों कैप्सेथिन किस में पाया जाता है, अभी हमने डिस्कस किया था, मिर्च में पाया जाता है ना। तो ऑप्शन है लाल मिर्च, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, तीखी मिर्च, है ना। तो कलर के लिए जाना जाता है कैप्सेथिन, तो लाल मिर्च, लाल मिर्च में पाया जाता है कैप्सेथिन। दोस्तों याद रखिएगा, कैप्सेथिन लाल मिर्च में पाया जाता है। और जो इसका तीखापन है वो क्या हो, किस कारण से होता है तीखापन, तो कैप्सेसिन के कारण होता है तीखापन। याद रखिएगा, कैप्सेसिन के कारण मिर्च में तीखापन पाया जाता है। चलिए अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है, खीरे में कड़वाहट का कारण होता है। तो दोस्तों खीरा हम लोग खाते हैं, बस वो पक जाता है तो ठीक अच्छा लगता है, लेकिन कुछ कुछ जो खीरे होते हैं काफ़ी कड़वे होते हैं, तो हम उसे खाना पसंद नहीं करते, तो इसका कारण क्या होता है। तो दोस्तों खीरे में पाया जाता है कुकुरबिटेशन। तो कुकुरबिटेशन के कारण जब इसकी मात्रा ज़्यादा होती है तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाता है। तो खीरे में जो कड़वाहट पाई जाती है वो कुकुरबिटेशन के कारण ही पाई जाती है। फिर अभी हमने देखा कि मेमोडिकोसाइट करेले में कड़वाहट के लिए जाना जाता है ना। याद रखिएगा, करेले में कड़वाहट के लिए मेमोडिकोसाइट पाया जाता है। और बादाम में भी कड़वाहट देखा था हमने, तो बादाम में कड़वाहट किस कारण से पाया जाता है, एमाइलेडिन के कारण। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, तरबूज में पाया जाने वाला लाइकोपिन का महत्व है। तो मतलब तरबूज में जो लाइकोपिन पाया जाता है तो उसके कारण से क्या होता है। तो अभी हमने डिस्कस किया था तरबूज में जो लाल रंग है वो किस कारण से होता है, लाइकोपिन के कारण से होता है। चलिए आगे देखते हैं, शलजम में तीखापन किस कारण से होता है। तो दोस्तों शलजम ये खाने के लिए सलाद में भी यूज़ करते हैं हम, है ना। तो इसमें जो तीखापन है वो किस कारण से होता है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट। दोस्तों कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है शलजम में, जिस कारण से इसका रंग, इसका टेस्ट तीखा होता है। फिर यहाँ फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं एलाइसिन। तो एलाइसिन किस में पाया जाता है, लहसुन में पाया जाता है। और इसकी वजह से होता क्या है, लहसुन का जो गंध है ना, वो एकदम तीक्ष्ण होती है, तीखी होती है। और लाइकोपिन हमने देखा किस में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, तरबूज में पाया जाता है, जिसकी वजह से इनका रंग क्या होता है, लाल होता है। चलिए आगे देखते हैं, मार्मोलोसिन किस में पाया जाता है। तो दोस्तों मार्मोलोसिन पाया जाता है बेल में, आप सभी जानते हैं बेल का फल होता है ना। तो ये जो गर्मियों में इसका जो शरबत पिया जाता है ना, तो ये इसकी वजह से मार्मोलोसिन की वजह से बेल में कड़वाहट होती है। तो ये कड़वाहट मार्मोलोसिन के कारण ही पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, सेब में लाल रंग का कारण है। अभी हमने डिस्कस किया था, तो सेब में, गाजर में, प्याज में जो लाल रंग पाया जाता है वो किस कारण से पाया जाता है, एंथोसाइनिन के कारण पाया जाता है। याद रखिएगा, एंथोसाइनिन के कारण सेब में, प्याज में और गाजर में लाल रंग पाया जाता है। लाइकोपिन टमाटर और तरबूज में, कुरकुमिन तो कुरकुमिन पाया जाता है हल्दी में पीले रंग के लिए, कैरिकानजेथिन तो ये पाया जाता है किस में, पपीते में, तो पपीते का पीला रंग कैरिकानजेथिन के कारण ही होता है। चलिए अगला ऑप्शन है, आलू में हरा रंग किस वजह से पाया जाता है। तो हमने इसे पढ़ा था दोस्तों सोलेन, आलू में हरा रंग किस वजह से पाया जाता है, सोलेन के कारण ही पाया जाता है। क्लोरोफिल अभी डिस्कस किया था, जो केला होता है वो हरे रंग का है, तो किस वजह से होगा, क्लोरोफिल के कारण होगा। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर एक और ऑप्शन देख रहे हैं हम, क्वेरेसिटिन। दोस्तों क्वेरेसिटिन आपने देखा है, प्याज लाल रंग का होता है, किस कारण से होता है, एंथोसाइनिन के कारण होता है। लेकिन एक तरह का प्याज और आता है जिसका जो बाहर का कवर है हम देखते हैं पीला रहता है ना, पीला रहता है, हल्का सफ़ेद रहता है, तो वो क्वेरेसिटिन के कारण ही होता है। मतलब प्याज का जो पीला रंग है वो किसके कारण होता है, क्वेरेसिटिन के कारण होता है। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेरेसिटिन के कारण प्याज में पीला रंग पाया जाता है। और फिर डी ऑप्शन है कैप्सेथिन। तो कैप्सेथिन जो है किस वजह से जाना जाता है, यह मिर्च के लाल रंग के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।